आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम पर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो कि बहुत ही कॉमन है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर, डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हो कैसे जाता है, उससे हमें एनर्जी कैसे मिल जाती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज कैसे कर लेती है। तो बात हम करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं बात करूं खाने की, तो खाने का कुछ ऐसा है कि जब हमें भूख लगी होती है तब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन और कुछ सिग्नल्स का सिक्रेशन हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जब हमें भूख लगी होती है तो खाना बनाने से लेकर अच्छा खाना खाने तक हमारी बॉडी में लार का सिक्रेशन हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि ये लार जो हमारी बॉडी में निकल रही है इसका काम क्या है? क्या है इसमें ऐसा जिसकी वजह से आपको खाना स्वादिष्ट लगता है? कैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है? इसी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी जो है एनर्जी को तीन रूप में पहचानती है। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का डाइजेशन होता है, जो चीज़ हमारी बॉडी को सबसे पहले चाहिए होती है और सबसे पहले एनर्जी देने का काम करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। मगर कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे होते हैं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट को पहचानती है, जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के तौर पर यूज़ करती है, उसका नाम होता है ग्लूकोज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। तो प्रोटीन जो है, हमारी बॉडी प्रोटीन का जो उपयोग करती है वो अमीनो अम्ल के तौर पर करती है। कुछ अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उनकी पूर्ति हम प्रोटीन के तौर पर करते हैं। फिर बात आती है लिपिड की, लिपिड या वसा। वसा की जो इकाई होती है जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल, ये इस रूप में हम वसा का उपयोग करते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होता है और एनर्जी भी सबसे पहले हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ही देता है। और अगर मैं बात करूँ लिपिड की, तो लिपिड सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देता है, मगर सबसे धीमा पाचन जो होता है वो लिपिड का ही होता है। तो चलिए बात करते हैं डाइजेशन की। तो दोस्तों, डाइजेशन की कहानी कुछ ऐसे है कि हमारा डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ से जब खाना पहुंचता है इसोफेगस में, इसोफेगस जिसे कहते हैं ग्रास नली, जिसका काम होता है सिर्फ खाने को नीचे की ओर ढकेलना, आगे की ओर खिसकाना। इसोफेगस से होता हुआ खाना पहुंचता है स्टमक में, आमाशय में। आमाशय आमाशय में जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन की शुरुआत होती है। अगर मैं कहूँ तो प्रोटीन का पाचन पूरा नहीं होता, तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है और कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है। यहाँ से खाना पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो कुछ भी हमने खाया होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है खाने से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो खाने का डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर में मिले हुए जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से खाना पहुँचता है रेक्टम में, जहाँ पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है, सिंपल सा एक ओवरव्यू है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है और भोजन का डाइजेशन खत्म हो जाता है। अगर हम बायोलॉजिकल वे में चलें, बायोलॉजिकल वे में डाइजेशन जो है हमें दो पार्ट में पढ़ना होता है। पहला पोर्शन वो जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, जिसके पार्ट होते हैं माउथ, जो कि हमने अभी देखा, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो मेरा आपसे ये सवाल है जो आपको बताना है कमेंट करके, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। और दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का,
जिन्हें हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां। तो भाई साहब जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं, पाचन ग्रंथियां। उसके बाद आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो अमाशय में पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। फिर बात आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, आंतरिक ग्रंथियां आंत में कुछ पाई जाने वाली ग्रंथियां। पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स अग्नाशय की ग्रंथियां, और जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं लीवर, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो दोस्तों यही एक डिटेल है जो हमें बहुत सारे मार्क्स दिलवाती है किसी भी एग्जाम में, और इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत होती है माउथ से। तो माउथ, तो जैसे कि मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत तो हो जाती है माउथ से, और भोजन का पाचन भी शुरू हो जाता है माउथ से, मगर वहां पर काम करता कौन है? तो ये काम करने के लिए सबसे पहले नंबर आता है टीथ का, दांत। इसके बाद है टंग, टंग के बाद है जॉ, जॉ के साथ में जो यहाँ पर इंक्लूडेड है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये चार पोर्शन हमें फुल डिटेल में पढ़ने हैं माउथ वाले पार्ट में, और आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। तो बात करें अगर टीथ की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ये याद रखने वाली बात है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में कुल चार टाइप के दांत होते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसमें मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो है ये रहा। ह्यूमन स्ट्रक्चर के बाद कार्निवोर, कार्निवोर जिन्हें कहा जाता है मांसाहारी, हर्बीवोर जिन्हें कहा जाता है शाकाहारी, और ये तो आप पहचान ही सकते हैं कि ये किसका डायग्राम है। तो बात करें पहले प्रकार के दांत की, तो पहले प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंसाइजर। इंसाइजर ये हमारे जीवन में सबसे पहले उगने वाले दांत होते हैं, जिनकी संख्या होती है दो। कहां पर होती है? तो सिर्फ ऊपरे जबड़े की बात कर रहा हूं मैं। इंसाइजर जिनका काम होता है काटने और उतरने का, तो इन्हें काटने और उतरने वाले दांत भी कहा जाता है। याद कीजिए जब हम छोटे थे तो हमारे आगे के जो दांत सबसे पहले उगते थे उन्हें कहा जाता था इंसाइजर। तो यहाँ अलग अलग कलर से मैंने इन्हें दिखाया है, और आप देख सकते हैं कि इंसाइजर येलो कलर से हैं, और ये रहे आपके इंसाइजर, यहाँ पर इंसाइजर है। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैनाइन। कैनाइन की जो बात होती है तो यहाँ इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि कैनाइन मांस खाने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। तो अगर आपके पास डॉगी है तो आप अपने डॉगी के कैनाइन दांत देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कैनाइन, जिन्हें रेड कलर से दिखाया हुआ है, और इनका काम होता है मांस को चीरने फाड़ने का। कैनाइन जिनका काम होता है भोजन को या मांस को चीरने फाड़ने का, ये नुकीले सिरे वाले होते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैनाइन के बाद बारी आती है प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स जो भोजन को चबाने का काम करते हैं, ये सिर्फ भोजन को चबाने का काम करते हैं, और यहाँ इन्हें ब्लू कलर से दिखाया गया है। और लास्ट होते हैं मोलर्स, चवर्णक, जिनको कहा जाता है कि ये पीसने का काम करते हैं, ये खाने को अच्छे तरीके से पीस देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ने की वजह से इन्हें पीसने वाले दांत कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे बॉडी में चार टाइप के दांत पाए जाते हैं, और चारों का फंक्शन अलग है, और फंक्शन भी पेपर में पूछा जाता है। एक अलग से जो चीज होती है पढ़ने वाली, जिसे कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला वो होता है जिसकी वजह से हम किसी भी मनुष्य में या किसी भी जानवर में दांतों की संख्या को बताते हैं। चूंकि यहाँ पर एक ही डेंटल फॉर्मूला दिया गया है जो कि है ह्यूमन का, और डेंटल फॉर्मूला दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन दांतों की संख्या जो कि एक क्वाड्रेंट में पाई जाती है। क्वाड्रेंट मतलब कि एक तरफ की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं दो इंसाइजर हैं, दो इंसाइजर के बाद एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। तो 2 1 2 3 ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखनी है, ऐसे ही हमें याद करना होता है। तो एक क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, एक क्वाड्रेंट में अगर 8 दांत हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी कितने होंगे? 8 दांत होंगे। इसीलिए एक जबड़े में अगर 16 दांत है तो दूसरे जबड़े में भी कितने दांत होंगे? 16 दांत होंगे। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे मुंह में पाए जाने वाले दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32। तो जो याद रखने वाली बात है
कि 12 दांत हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीवन में एक बार उगते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में दो बार उगते हैं। तो एक बार उगने वाले दांतों की संख्या होती है 12 और दो बार उगने वाले दांतों की संख्या होती है 20। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये तो एक एडल्ट का है, तो आपको मुझे बताना है कि एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए हैं कि हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, और दूसरा बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे टंग की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।